नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। कन्नौज में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक अधिकारियों के रिश्वत लेने के मामले सामने आ रहे हैं। जहां योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश का दावा कर रही है, ऐसे में जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनपद कन्नौज के थाना ताल ग्राम की, जहां पर प्रभारी निरीक्षक फरियादियों से रिश्वत लेते नज़र आ रहे हैं। जब फरियादी अपनी फरियाद लेकर थाने में जाता है तो थाना प्रभारी से काम कराने के एवज में 50,000 रुपये तक की डिमांड की जाती है। लेकिन जब गरीब फरियादी अपनी गरीबी का हवाला देता है तो सौदा सिर्फ 20,000 रुपये में पट जाता है, तथा फरियादी द्वारा 10,000 की रकम प्रभारी निरीक्षक को भी दे दी जाती है। शेष बचे हुए रुपये गाँव पहुँचने पर देने का वादा फरियादी करता है, लेकिन प्रभारी निरीक्षक को क्या मालूम था कि उनके द्वारा की गई करतूत को कहां मौजूद किसी व्यक्ति के द्वारा कैमरे में कैद कर लिया गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब देखना यह है कि शासन व प्रशासन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कब करता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। जो बता दो उत्तर करो। हाँ साहब, पूरी हो जाए व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं। साहब देखिए, हम तो आए थोड़ी देर के लिए, अभी नमाज भी नहीं, चक्कर में एसडीएम साहब बात कर रहे हैं, अभी आज हम लोग बैठ नहीं पा रहे हैं। साहब आप बता दो, आप कल या परसों, मतलब हम करवाते हैं उस दिन की बात तो करके करवाते हैं। भाई तुम साहब क्लियर कर दीजिएगा, उस दिन क्लियर कर दीजिएगा। क्लियर करेंगे, क्लियर नहीं तो तुम्हारा करेगा साहब। 10 हैं अकेले, वो आएगी पैसा दे दो, इकट्ठे लाते हो इकट्ठे का। सर जी खेत में आप पहुँचना, रुपया पहले लियो, काम बाद में करवाइए। हमने बता दिया है उसे, तुम अपने कागज रखो, वो अपने कागज रखो, ठीक है साहब। कभी जा करवा दो आप, तुम्हारा भाई गड़बड़ कर रहा है। हाँ साहब, भाई गड़बड़ कर रहा है, इसीलिए तो साहब जी लबेड़ पकड़ी है। चलिए देखते हैं, अपने कागज तैयार रखना। सब कागज सब तैयार है, आप बता दो फिर डेट कब है कंफर्म कर हम उसी दिन। हमें संडे बताया, हम संडे को मम्मी को भी साथ में फिर ले आए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज।